जय माता दी होम सायंकाल का। जैसा कि आप सबको बताया है, नवंबर 2022 लग चुका है और दिसंबर 2022 में सिद्धपीठ श्री सायंकाल का मंदिर सारी जनता के लिए खोल दिया जाने वाला है। आप लोगों को पता है कि मंदिर निर्माण कार्य में आप सबने हम सबकी बहुत ज्यादा मदद की है। जमीन के टाइम में आपने हमारी मदद की थी। एक बार फिर से इस लाडली बेटी को आप सबकी आवश्यकता आन पड़ी है। हमारे पास सिर्फ ये आखिरी महीना बचा है तो सब बच्चों से सहयोग की आवश्यकता है। आप सब बच्चे जल्दी से जल्दी माँ के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी। जाए सब संकट कट जाए, जो भी दर पे आता मिलता साईं माँ का प्यार, जो भी दर पे आता मिलता साईं माँ का प्यार। ओम साईं माँ कालिका का बन गया दरबार, ओम साईं माँ कालिका का बन गया दरबार, वो देखो बन गया दरबार। तेरी जय जयकार, गुरु माँ जी की कृपा भक्तों पर हो रही अपरंपार। जय जयकार तेरी जय जयकार, गुरु माँ जी की कृपा हम सब पर हो रही अपरंपार। दिसंबर उद्घाटन की आई शुभ घड़ी न्यारी, देखो भक्त संभव हो पाया। इतनी जो मैनेजमेंट थी सारी चीजें कैसे संभव, कितने दिनों को हो पाया? पिछले 2 महीने से इसकी मैनेजमेंट में सब बच्चे लगे हुए हैं जी। और अभी 3 दिन से बच्चे दिन रात यहाँ सेवा कर रही है। कम से कम भी 150 लोग थे बच्चे जो सेवा करते जी। तो इसीलिए माँ भगवती की आशीर्वाद से ही वैसे तो सब होता है, लेकिन बच्चों की बहुत मेहनत।
दूर दूर जगह से, कभी कोई किसी गांव से, कोई किसी शहर से बच्चे यहाँ पर आके रुके और उन्होंने मैनेजमेंट में पूरा ध्यान दिया। खासकर पूरी एक टीम लगाई गई थी जो सब बच्चों को ध्यान दे रही थी, सब बच्चों को देख रेख में चला रही थी। तो 150 लोगों की टीम में आज का ये जो कार्यक्रम है देख रेख में। अच्छा, जो भक्त यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, महामाई तो दिल में वास करती जी। आप सबने दर्शन घर से बैठ के भी किए होंगे और जो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं उनको पता है कि ये घर पे बैठ के सिर्फ 11 रुपए की अरदास लगाने से या 3 हाजी बोल देने से ही कार्य होती है। तो जो नहीं आए निराश बिल्कुल नहीं होना है, कार्य उनके भी होंगे। अच्छा, आने वाले समय में जैसे बहुत से श्रद्धालु हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं और आपसे अपनी मनोकामनाओं को रखने के लिए आपके पास में आते हैं, तो आप उनसे किन किन दिनों पर यहाँ मंदिर में आप मिलेंगी? मैं मंगल और शनिवार को मिलती हूँ यहाँ पर जी। समय जो है सुबह 10 बजे से रहता है जी। और समाप्ति का समय कोई घोषित नहीं, समाप्ति का कोई घोषित नहीं। माँ भगवती जब तक आदेश देती हैं तब तक बच्चों की समस्याएं सुनी जाती हैं, अरदासें लगवाई जाती हैं, हाजिरियां करवाई जाती हैं। माँ भगवती इसी में सब बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करती है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको शादी के कई वर्ष हो गए हैं लेकिन आज तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ उन्हें, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए जी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपनी मेडिकल कंडीशन जांच लें जी, क्या दिक्कत है। अगर मेडिकल कंडीशन सही है उसके बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप माँ भगवती के चरणों में आके अरदास लगा सकते हैं। न जाने कितने ही घर परिवार के चिराग इस महामारी ने जलाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कालका माई की जय।